नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जब से सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया है, तब से ही लगातार बवाल मचा हुआ है और एनसीबी की टीम लगातार एक के बाद एक कई लोगों को अभी तक नोटिस भेज चुकी है। लेकिन अब दिया मिर्जा की मैनेजर रोहिला फर्नीचर वाला भी ड्रग्स केस में फंसती हुई नजर आ रही हैं। खबर यह है कि दिया मिर्जा की मैनेजर भी रोहिला फर्नीचर वाला भी चोरी छुपके से ड्रग्स मंगवाया करती थी, लेकिन जब इनसे पूछा जाता था कि ये सब कुछ क्या है तो ये इसको टाल मटोल करके और बहाना बना लेती थी। लेकिन खबर यह है कि एनसीबी की टीम को पता चल चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े दिया मिर्जा की रोहिला फर्नीचर वाला जो मैनेजर थी वो भी ड्रग्स मंगवाया करती थी और ये काफी खतरनाक लेवल के ड्रग्स बताए जा रहे हैं। और ये अपने इस्तेमाल के लिए तो मंगाती थी, साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों के लिए भी ये ड्रग्स मंगवाया करती थी, जिसके बाद ये इस केस में बहुत बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। और माना जा रहा है कि अब रोहिला फर्नीचर वाला के खिलाफ एनसीबी की टीम सख्त कार्यवाही कर सकती है और इसके बाद एनसीबी की टीम इनको गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको बता दें, इस केस में अभी तक ड्रग्स की कार्यवाही करते हुए एनसीबी ने कई लोगों को एक बार फिर से नोटिस भेजा है और अब बारी है दिया मिर्जा की मैनेजर रोहिला फर्नीचर वाला की। इनकी भी गिरफ्तारी होना लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि एनसीबी की टीम इनके पीछे हाथ धोकर के पड़ी हुई है। एनसीबी की टीम किसी भी हाल में इनको बख्शने वाली नहीं है। आपको बता दें, दिया मिर्जा ने कभी भी ये बातें सामने आकर के खुलकर नहीं बताया कि उनकी मैनेजर ड्रग्स लिया करती है। हो सकता है कि इस सिलसिले से दिया मिर्जा से भी पूछताछ आज एनसीबी की टीम कर ले। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।